उसे महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना था। उसके पास ट्रेन के टिकट तक के पैसे नहीं थे। वह फुटपाथिये के वेश में एडिसन के सामने खड़ा था। उसे बहुत ही कम तनख्वाह पर काम करना पड़ा था। दिन बदलते गए, महीने बदलते गए, लोग बदलते गए, लेकिन बदली नहीं वह एक चीज जिसके भरोसे उसने वह मुकाम हासिल किया जिसके लिए वह धरती पर आया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे युवक के बारे में जानेंगे जिसने बल्ब बनाने वाले उस एडिसन को भी हक्का बक्का कर दिया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज से 120 साल पहले की बात है, अमेरिका में छोटे से गांव में 20-25 साल उम्र का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत ही गरीब घर से था। दूसरी ओर दूर शहर न्यू जर्सी में थॉमस एडिसन नाम के वैज्ञानिक थे जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी थी। एक दिन उस युवक के मन में एक विचार आता है, उस महान वैज्ञानिक एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने का विचार। और अगले ही पल युवक यह ठान लेता है कि वह एडिसन का पार्टनर बनके ही दिखाएगा। अब उसे क्या चाहिए ये मालूम तो था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी दो समस्याएं थी। एक कि वह एडिसन को जानता नहीं था, और दूसरी यह कि उसके जेब में एडिसन के प्रयोगशाला में जाने के लिए ट्रेन के टिकट तक के पैसे नहीं थे। अब यह दो समस्या ही ज्यादातर लोगों के हौसले को नष्ट कर देती है, लेकिन उस युवक के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी, वह युवक दृढ़ निश्चयी था। फिर एक दिन युवक मालगाड़ी में बैठकर न्यू जर्सी गया और वहां से एडिसन के प्रयोगशाला में पहुंच गया। और वहां जाते ही युवक ने घोषणा कर दी कि वह महान एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि उसने घोषणा की थी, और घोषणा वही लोग करते हैं जिनके पास उस चीज को हासिल करने के लिए वह सब कुछ होता है जो उन्हें चाहिए। लेकिन युवक के पास पहने हुए कपड़ों के अलावा दृढ़ निश्चय, प्रबल इच्छा और ताकतवर सोच थी, जिसके कारण पहली ही मुलाकात में उसने एडिसन को प्रभावित कर दिया। यहाँ एक बात बता दूं कि एडिसन उस युवक के हुलिये को देखकर प्रभावित नहीं हुए थे, क्योंकि उसका हुलिया बहुत ही खराब था। फर्क उसकी सोच से पड़ा था। उस युवक को एडिसन के ऑफिस में बहुत ही कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिला। उसने खुशी खुशी उसे स्वीकार किया और अगले ही दिन से काम पर लग गया। काम करते करते दिन गुजरते गए, काम करते करते महीने गुजरते गए, काम करते करते लोग बदलते गए, समय बदलता गया, लेकिन बदली नहीं हुआ उस युवक की सोच जिसके साथ उसने एडिसन के प्रयोगशाला में पहला कदम रखा था। फिर कुछ दिनों बाद एडिसन ने एक डिटेक्टिंग मशीन बनाई जिसका काम इंसानी आवाजों को रिकॉर्ड करना था। उस मशीन को लेकर एडिसन के सेल्समैन उत्साहित नहीं थे। उन्होंने उसे बेचने का प्रयास किया, लेकिन वह उसमें फेल हो गए। उस मशीन के रूप में युवक के पास एक अवसर आया था जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन उसे पता था कि अवसर अक्सर दुर्भाग्य और अस्थायी पराजय के वेश में आता है। अवसर ऐसे चालबाजी के साथ आता है जिसके कारण लोग उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन युवक ने उसे पहचान लिया था। तभी युवक ने एडिसन से कहा, मैं बेचूंगा इस मशीन को। एडिसन ने युवक को मौका दिया जिस मशीन को अच्छे अच्छे सेल्समैन बेच नहीं पाए थे। उस मशीन को युवक ने इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि उसे देखकर एडिसन ने युवक को मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट और मार्केटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। उस कॉन्ट्रैक्ट के चलते युवक ने ढेर सारा पैसा कमाया, प्रचुर दौलत कमाई, और इससे भी बड़ा एक काम करके दिखाया। युवक ने यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। एडविन बार्स ने थॉमस एडिसन का पार्टनर बनने की बात दिल से सोची, और यह सोच सोचकर वह दौलतमंद बन गया। युवक ने छुपके से आए उस अवसर को पहचान लिया था जिसे ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाते। दोस्तों यहाँ एक लाइन दोहराना चाहूंगा, अवसर जिसे हम मौका भी कहते हैं, वह अक्सर दुर्भाग्य, अस्थाई पराजय, कठिन परिस्थिति और संकटों के रूप में आता है। जिसने उसे पहचान लिया वह अपनी जिंदगी में सफल बन गया। लेकिन मौके को पहचान पाना आसान नहीं है, मौके पे चौका मारना आसान नहीं है, यह हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन यह बात आपके बस की जरूर बन सकती है अगर आप अवसर पहचानने के रहस्य को जान लेते हैं। वैसे मौके के बारे में मैंने एक बेस्ट वीडियो बनाई है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही है, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा सफर अब यही तक था। मिलता हूँ ऐसे ही एक जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कैची बॉय साइनिंग ऑफ।